इंटरनेट के आने से पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनीज टीवी, न्यूज़पेपर, होर्डिंग जैसी चीजों का इस्तेमाल करती थी। कुछ टाइम इंटरनेट के आने के बाद ये मार्केट इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गई। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रणदीप और आज डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन में। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, पुराने जमाने में ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनीज टीवी, न्यूज़पेपर, होर्डिंग जैसी चीजों का इस्तेमाल करती थी। 1983 में इंटरनेट आने के बाद ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा और पुरानी दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई। 1998 में गूगल के आने के बाद मार्केटिंग का तरीका पूरी तरह से बदल गया। गूगल की फाउंडेशन 1998 में लैरी पेज और सर्गिन क्रे ने की थी। गूगल को सबसे पहले फंडिंग 1998 में सन माइक्रोसिस्टम के को फाउंडर एंडी बेक्टोलिजियम ने दी थी और उसके बाद फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी बहुत सारी कंपनीज एक के बाद एक इंटरनेट बिजनेस में आना शुरू करी। इन सारी कंपनीज के रिवेन्यू उस टाइम सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू ही होते थे। जैसे जैसे इंटरनेट में ट्रैफिक बढ़ता गया, बहुत सारी कंपनीज ट्रेडिशनल मार्केटिंग छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और भी दूसरी काफी कंपनीज ने अपने कैंपेन खुद के बनाने शुरू कर दिए, बट उसमें से काफी प्लेटफॉर्म गूगल के एडवर्ड से कनेक्टेड थे। गूगल एडवर्ड एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जो मार्केटिंग में सबसे ज्यादा कैंपेन क्रिएट करता है। इसमें शॉपिंग, पीपीसी, एसईएम जैसे बहुत सारे कैंपेन इंक्लूड है। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कंपैरिजन करें तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे पहला, स्ट्रेटजाइज विद द वैल्यूएबल डेटा एंड एनालिटिक्स, जिसमें ज्योग्राफिक लोकेशन के थ्रू बहुत सारा ट्रैफिक आप अपने पेज पे ला सकते हैं। इसमें जेंडर, एज, इंटरेस्ट के जो भी विजिटर है आप उनका पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। किसने कितना आपकी वेबसाइट में टाइम स्पेंड किया है, इसका पूरा डेटा एनालिटिक्स आपके पास होता है। वेबसाइट का बाउंसिंग रेट आपको ये बताता है कि आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है। ओवर द टाइम कैसे ट्रैफिक चेंज होता है, इसके भी एनालिटिक्स बहुत आसानी से चेक हो सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, कंटेंट परफॉर्मेंस एंड लीड जनरेशन। बिजनेस को ग्रो करने में सबसे बड़ा रोल है फीडबैक का और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये बहुत मुश्किल था, बट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। फिर आएंगे मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और इसकी जो रीच है वो बहुत ज्यादा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू। और इसकी जो सबसे खास चीज है वो है कि आप अपनी ऑडियंस खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी विजिटर आपकी वेबसाइट में पर डे आएंगे उसका पूरा डेटा और एनालिटिक्स आपके पास होगा। इंक्रीजिंग ऑफ नंबर जो है सब्सक्राइबर के, वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं बढ़ने के। दुनिया में सर्वे के थ्रू ये माना गया है कि कन्वर्जन रेट जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग में है और इसका बाउंसिंग रेट आपको पूरा फीडबैक देता है ये जानने के लिए कि कहां आपको इम्प्रूव कर। फिर आएंगे टॉपिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में आज के एरा में 9 पार्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ब्लॉगिंग, एसईओ, एसईएम, एसएमएम, एसएमओ, गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे ब्लॉगिंग में। ब्लॉगिंग बेसिकली कंटेंट राइटिंग में डिपेंड है पूरी तरह से। दुनिया में काफी लोग ब्लॉगिंग के थ्रू करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं। ये पूरी तरह से बेस है आपके किसी भी टॉपिक के इंटरेस्ट और नॉलेज के ऊपर। उसके बाद आएंगे एसईओ में। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप गूगल में कुछ टाइप करते हैं, गूगल का काम है आपको सही इंफॉर्मेशन देना और सही रिजल्ट देना। गूगल का पूरा एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। ये विद इन अ सेकेंड होता है। इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज होता है। एसईओ के थ्रू ही आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे सबसे ऊपर ला सकते हैं और ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे लेंथी और सबसे टफ टॉपिक है। फिर आएंगे एसईएम में। एसईएम मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग।
और ज्यादातर लोग इसको गूगल एडवर्ड के नाम से जानते हैं। गूगल एडवर्ड एक तरीके का पेड कैंपेन रन करता है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपना एड इंटरनेट पे चला सकती है। इसमें आपके शॉपिंग कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, रीमार्केटिंग और कई भी सारे कैंपेन्स चलते हैं। फिर आएंगे फ्रेंड्स SMM और SMO में। ये दोनों टॉपिक एक सिमिलर तरीके से हैं। ये बेसिकली सारे सोशल मीडिया साइट से कनेक्टेड हैं। जो भी एड आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं वो SMM और SMO के थ्रू ही चलाया जाता है। फिर आगे आएंगे गूगल एडसेंस पे। जो लोग भी यूट्यूब चैनल या फिर ब्लॉग या अपनी वेबसाइट रन करते हैं वो गूगल एडसेंस के थ्रू ही अपना पैसा अर्न करते हैं। सबसे पहले एडसेंस को मोनेटाइज करना पड़ता है जिससे आपके चैनल में या फिर ब्लॉग में या फिर आपकी वेबसाइट में एड्स दिखने शुरू होते हैं और उस एड को चलने का ही आपको रेवेन्यू क्रिएट होता है। फिर आएंगे फ्रेंड्स एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर किसी दूसरे का प्रोडक्ट कोई दूसरा पर्सन मार्केट करके उसको सेल करे तो वो कंपनी उस थर्ड पार्टी को कुछ परसेंटेज देती है उसका कमीशन। उसके बाद दोस्तों ईमेल मार्केटिंग और SMS मार्केटिंग पे आएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फोन में बिना नंबर के कुछ मैसेजेस आते हैं या फिर आपको कुछ कंपनीज के मेल आते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स और समथिंग सर्विसेज। उस कैंपेन को रन करने का जो तरीका होता है वो ईमेल मार्केटिंग और SMS मार्केटिंग के थ्रू ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी। गुड बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।